तो कैसे हैं स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉलिटेक्निक के नंबर वन चैनल पांडे जी टेक्निकल में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट, हम आपको सरल रेखा के ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिससे कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 100% प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बात आप लोग गौर कर लीजिएगा कि अगर आपने अपनी बोर्ड की परीक्षा को पास कर लिया है, जो स्टूडेंट 10वीं पास कर लिए हैं या फिर जो स्टूडेंट 12वीं पास कर लिए हैं, तो 10वीं पास करने वाले स्टूडेंट और 12वीं पास करने वाले स्टूडेंट के लिए पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी और शानदार तैयारी, लेटरल एंट्री की भी तैयारी जो कि इंटर पास स्टूडेंट के लिए होती है जिससे आप 2 साल में ही डिप्लोमा कर सकते हैं, उसकी भी तैयारी आपकी चल रही है ऑलरेडी धुरंधर बैच में। इसी के साथ ही साथ आपका जो है ए ग्रुप की तैयारी भी आपकी चल रही है। पूरे YouTube पे बिल्कुल मिनिमम फीस में आप लोगों की तैयारी कराई जा रही है। तो इसलिए जितने स्टूडेंट, चाहे वो लेटरल एंट्री के स्टूडेंट हो या फिर आपके ए ग्रुप के स्टूडेंट हो, सभी स्टूडेंट जो है इस दिए गए नंबर 8826396022 इस नंबर पे कॉल करें और इस नंबर पे कॉल करके स्टूडेंट जो है आप जो है धुरंधर बैच से जुड़ सकते हैं। और इस धुरंधर बैच से जुड़ने का स्टूडेंट फायदा ये रहेगा कि काउंसलिंग से लेकर के आपके पढ़ाई तक हर चीज की गाइडेंस बिल्कुल आपको टीम के द्वारा किया जाएगा और एक सरकारी कॉलेज में सीट आपकी 100% पक्की हो जाएगी अगर आपने एडमिशन ले लिया तो। ठीक है, आइए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं प्रश्न के बारे में कि प्रश्न आपका क्या कह रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चे कि आपके पास रेखा का समीकरण दिया हुआ है ना, आपके पास दो रेखा का समीकरण दिया हुआ है। पहला रेखा है 4x plus 2y plus 8 is equal to 0, दूसरा रेखा है आपके पास 4x plus 3y minus 32 is equal to 0। इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हमेशा से याद रखिएगा, रेखाओं के बीच की दूरी का एक फॉर्मूला होता है बच्चे, और इसी फॉर्मूले पे आप लोग को सारा सवाल लग जाता है ना। मॉड में आपका होता है बच्चे सी टू माइनस में सी वन, अपॉन में आपका यहाँ पे होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका दो रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है। अब आपको करना क्या है, अब आपको बच्चे यहां पे आपको बस दूरी का फॉर्मूला में रख देना है ना। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि C2 के जगह पे आपका कितना है, तो यहां पे आपने देखा सर C2 के जगह पे तो आपका 32 है। C1 जो है आप लोगों का मानते हैं पहले सरल रेखा का लिए कांस्टेंट वैल्यू है, C2 आपके दूसरे सरल रेखा के लिए कांस्टेंट वैल्यू है। तो C2 की वैल्यू आपका मॉड में कितना हो गया, यहां पे 32 हो गया, माइनस में C1 की वैल्यू यहां पे कितना है तो 8 है, और उसके बाद अपॉन में आपके पास कितना है ध्यान दीजिएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पे कितना है 4 है और बी के जगह पे कितना है आपका 2 है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 4 का वर्ग 16 प्लस 2 का वर्ग आपका 4 हो जाएगा है ना। इतनी चीजें आपने देख ली। अब यहां पे एक चीज आप देखिए, जब मॉड में आपका 32 माइनस 8 है बच्चे, माइनस 32 माइनस 8 है तो माइनस 40 होगा हल करने पे, लेकिन अगर मॉड में है तो माइनस को क्या करते हैं इग्नोर कर देते हैं बिल्कुल। तो हमने यहां पे इग्नोर कर दिया, तो हमने यहां पे लिख लिया सिंपल 40, फिर अपॉन में यहां पे 16 4 20। अब यहां पे 20 है आपके पास है ना, अब 20 को आप क्या लिख सकते हैं ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो आप 20 को लिख सकते हैं यहां से 2√5 है ना, यहां से इतना आप लिख सकते हैं 20 को। काटेंगे यदि बच्चे आप तो 2 × 2 = 4, तो यहां पे ये 20 बार में कट जाएगा। आपके पास बचा है क्या क्या चीजें ध्यान दीजिएगा, आपके पास बचा है यहां पे सिर्फ और सिर्फ 20 अपॉन में √5, इसका आप यहां से परिमेयकरण कर लीजिए है ना। तो परिमेयकरण जब आप करेंगे तो √5 अपॉन में √5 यहां से हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 20√5, और फिर नीचे आपका क्या हो जाएगा, नीचे सिंपल आपके पास 5 हो जाएगा। काटिएगा तो 5 × 20 यानी कि इन दो रेखाओं के बीच की जो दूरी आएगी 4√5 आएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब यह है बच्चे कि आप यहां से देख सकते हैं कि दो सरल रेखाओं के बीच की दूरी को बिल्कुल आपने आसानी के साथ निकाल दिया। मिनिमम बात करें तो आपके 2 प्रश्न मिनिमम प्रवेश परीक्षा में मिनिमम इसमें से आपके बच्चे 2 प्रश्न आते हैं, और मैक्सिमम अगर हम प्रश्नों की संख्या की बात करें बच्चे तो 4 या 5 प्रश्न आपके आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है 50 मैथमेटिक्स के सवाल रहते हैं काफी ब्रॉड व्यू में, तो आपने इतनी चीजों को देख लिया। अब मैं आपको बताता हूं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आप यहां से देख सकते हैं कि इसमें भी दो रेखाओं के बीच की बच्चे दूरी ज्ञात करने के लिए कहा गया है, और उसमें से 3x + 4y - 9 = 0 और दूसरी रेखा है आपके पास 3x + 4y + 10 = 0 और इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। कुछ नहीं करना है बच्चे, सिंपल जो आप दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको पता है वो मैंने बताया है ना। और वो फॉर्मूला आपका क्या होता है कि जो जब भी आप दूरी यहां से फाइंड करते हैं तो मॉड में आप क्या लेते हैं, मॉड में आप लेते हैं सी टू माइनस में सी वन, फिर अपॉन में आपके पास क्या हो जाता है अंडर रूट में आपके पास हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतनी चीजें आपने निकाल ली, ये तो दूरी का फॉर्मूला है।
अब इस दूरी के फॉर्मूले पे आप ना जाने कितने सवाल कर लेंगे, जितने सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं जितने आपके पूछे गए होंगे आपके प्रवेश परीक्षा में। तो आपने यहां पे देखा C2 के जगह पे आपको क्या रखना है बच्चे, तो 10 रखना है। माइनस में C1 के जगह पे आपका क्या है, -9 है, तो आपने यहां से रख दिया। उसके बाद अपॉन में अंडर रूट में a² + b² है। अब a² के जगह पे आपको क्या रखना है, 3 का स्क्वायर, प्लस b² के जगह पे क्या रखना है आपका, 4 का स्क्वायर रखना है ना। तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 9 कितना हो जाएगा बच्चे आपके पास, 19 हो जाएगा। अब नीचे वाले को सॉल्व करिए, तो यहाँ पे अंडर रूट में आपके पास क्या है, 3 3 का 9, 3 का वर्ग हो जाएगा तो 9, 4 का वर्ग हो जाएगा तो 16, 16 9 जुड़ेंगे अब कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा है ना। तो आपने यहाँ पे देख लिया 16 9 अंडर रूट में 25। अगर आप यहां से इसको हल करते हैं तो आपको पता चलेगा 19 अपॉन में रूट में 25 है आपका, तो ये बाहर निकल जाएगा तो आपका 5 हो जाएगा। तो यहां से आप डायरेक्टली बच्चे 19/5 यहां से आंसर लिख सकते हैं, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने यहां पे इतनी चीजों को देखा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रही बच्चे। अब जो है बात आती है कि क्या इतनी चीजें करने से आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको जो है मेहनत करना पड़ेगा कुछ एक्स्ट्रा और एडमिशन लेना पड़ेगा बिल्कुल आपको धुरंधर बैच में, जिसके लिए आपको कॉल करना है 88 26 47 60 22 इस नंबर पे। चाहे आप लेटरल एंट्री के स्टूडेंट हो, चाहे आप एक ग्रुप के स्टूडेंट हो, लेटरल एंट्री के स्टूडेंट अलग तैयारी करेंगे, एक ग्रुप के स्टूडेंट अलग तैयारी करेंगे है ना। तो अब उसके अलावा क्या होगा आपका, इसके अलावा बच्चे आपको टीम के द्वारा अलग से आप लोग का ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी कि चाहे आपका कितना भी कम नंबर क्यों ना आया हो, 100% आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल करके ही रहेगा। तो इसलिए जो है इस तरीके पे आप लोग जो है इस नंबर पे तुरंत के तुरंत कॉल करिए, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा।